और उधर बेलारूस के मीडिया ने दावा किया है कि रूस बेलारूस के पायलटों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के काम में जुटा हुआ है और ये खबर पुतिन के बेलारूस दौरे के बाद सामने आई, जिसमें बेलारूस के मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते में बेलारूस के पायलटों को परमाणु हथियार से लैस लड़ाकू विमानों को उड़ाने की स्पेशल ट्रेनिंग देना भी शामिल है, जिससे यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही रूस और बेलारूस ये घोषणा कर चुके हैं कि बेलारूस के Su-24 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा और उन्हें परमाणु हथियारों से लैस किया जाएगा, जिसके लिए बेलारूस के पायलटों को भी तैयार होना जरूरी है। और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के मुताबिक रूस के ट्रेनर लगातार बेलारूस के पायलटों को परमाणु हथियार से लैस लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जल्द ही उनके देश के पायलट किसी भी वक्त दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार रहें। लेकिन यूक्रेन को डर है कि पुतिन अब बेलारूस को रूसी सेना के साथ जंग में शामिल करा सकते हैं और फिर उसकी उत्तरी सीमा पर भीषण हमला बोल सकते हैं, जिसके लिए रूस पहले ही अपने घातक हथियारों का जखीरा बेलारूस पहुंचा चुका है। और यही वजह रही कि पुतिन के बेलारूस दौरे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में ये पहला मौका रहा जब वो लुकाशेंको से मिलने खुद बेलारूस पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के मिलिट्री ड्रिल जारी रखने पर भी सहमति बनी, जो कि यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और उधर बिहार के छपरा में जेडीयू नेता के घर से पुलिस ने शराब बरामद की और पुलिस ने शराब के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। और छापेमारी के दौरान पुलिस ने जेडीयू नेता के घर से देसी और विदेशी शराब पकड़ी, जिसे जेडीयू नेता ने साजिश बताया। कौना साजिश के तरह में रोक की। बताया गया कि जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के जिस घर से शराब पकड़ी गई, उसे उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। और उधर खबर है कि चीन ने ताइवान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा में एक बार नहीं बल्कि कई बार घुसपैठ की। ताइवान का आरोप है कि चीन के कई लड़ाकू विमान और जंगी जहाज पिछले 1 महीने से उसकी सीमा लगातार लांघ रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में चीन ने ताइवान के पूर्वी इलाके में सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ा दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर सुबह 6 बजे से 21 दिसंबर सुबह 6 बजे तक चीन के 11 सैन्य विमानों और 3 जंगी जहाजों ने घुसपैठ की। उकसावे वाली इस हरकत के बाद ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए अपने फाइटर जेट और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भेज दिया। समंदर में जंगी जहाज भी उतार दिए। यही नहीं, ताइवान ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए, ताकि चीन के विमानों को हवा में ही ध्वस्त किया जा सके। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई से चीन के फाइटर जेट और युद्धपोत लौट गए। और उधर मध्य प्रदेश के दमोह से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पर 7 साल का एक बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया और जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना तब हुई जब वो अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था, तभी उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो कई फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बच्चा कुएं के किनारे खेलता दिखा। वो अपने दोस्त से बातचीत करता दिखाई दिया, तभी उस बच्चे का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। हालांकि घर के एक सदस्य ने कुएं में उतर कर उसकी जान बचा ली। रस्सी भी डाल दी, घर के लोग भी थे और नीचे गए तो उसको बाकायदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो बच्चा जब तक कुएं से निकल नहीं गया, तब तक उसके घर वालों की जान अटकी रही।